वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। वफाकी वजीर तालीम ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। 6 माह से ज़ायद अरसा के बाद तालीमी अमल की बहाली पर खुशी है। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। नौ हो गई, अब तक 2,96,881 अफराद से एहतियाब हो चुके। 747 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मजीद 5 अफराद जहां बाक हो गए। हलाकतों की मजमू तादाद 6,489 हो गई। मैं कुर्बान जाऊं नून लीग की तंजीम साजी पर, जो रात को 3 बजे होती है। नून लीग बाहर से शीन लीग, अंदर से सिर्फ मीम लीग है। फयाजुल हसन चौहान। अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और ज्वेलर्स खरीदारी के कवायफ FBR को फराम करने के पाबंद होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नया हदायतनामा जारी कर दिया। बरतानिया कभी भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा, ना इमरान खान का सर रसूख काम आएगा, क्योंकि बरतानिया की मैशत मफरूर अरब पतियों के पैसे पर चल रही है। एतजाज एहसन का दावा। भारतीय बिजनेसमैन टाइकॉन अनिल अंबानी चीनी बैंकों के $711 मिलियन के डिफॉल्टर। 3 चीनी बैंकों का कानूनी चाराजोई करने का फैसला। PPP MNA का बेटा सिन पुलिस के प्रोटोकॉल में सफारती कोटे पर करोड़ों रुपए की शराब स्मगल करते पकड़ा गया। पकड़े गए इंपोर्टेड शराब की वीडियो वायरल। अगर तुम्हें अपने वालिदा और बहनों का एहसास होता तो फरार होकर लंदन ना बैठते। लंदन में बैठकर टीपू सुल्तान ना बनो। मफरूर सलमान शहबाज के लंदन से ना डरने ना झुकने के पैगाम पर PTI हुकूमत को गिदड़ों की हुकूमत करार देने पर दिलचस्प तबसरे। रावलपिंडी में आमदन से ज्यादा सज़ा केस जुर्म साबित होने पर अदालत ने नून लीग के साबिक रुकन असेंबली को 10 साल की कैद की सजा सुना दी। धरने के दौरान DGISPR जहरुल इस्लाम ने मेरे से इस्तीफा मांगा। हमारे बच्चों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में गुलाम बनकर नहीं रह सकते। मैंने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया। इसके लिए मुझे अब आपकी हमायत की जरूरत है, नवाज शरीफ। मदरसे के 14 साल शागिर्द से ज्यादती करने वाला मुअल्लिम गिरफ्तार। अहले इलाका ने तशद्दुद करके मुल्जिम के बाल मुंडवा दिए। शकरगढ़ में भी बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाला कारी गिरफ्तार। मरियम ने बीबी जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत अदा करनी है, यजीदों से टकराना है। घर की खवातीन इस वक्त निकलती हैं जब यजीद का सूरज सवा नेजे पर होता है। मोहतरमा फातिमा जना पर भी हमले हुए थे, लेकिन वो कैप्टन सफदर का बयान। उर्तगल के भारतीय मुस्लिम नौजवान भी दीवाने। भारत में उर्तगल शाहरुख खान से भी ज्यादा सर्च किया जाने लगा। कतर की नाकाबंदी से पहले सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन का कतर पर कब्जे का मंसूबा था, कतरी वजीर दिफा। पाकिस्तान सुपर लीग 1 और 2 में अरबों रुपए की माली बेकायदगियों का इंकशाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाखों डॉलर सालाना का नुकसान। सालों से जारी जंग, भूख और अफलास के बायस यमन में इंसानी बहरान इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। बड़ी तादाद में बच्चों की जिंदगियां खतरे में। अब कोरोना वायरस सूरत हाल मजीद सख्त। साहिवाल में खातून GPO एहलकार को थप्पड़ मारने वाला PTI जिला लीडर जमानत पर रहा। सऊदी अरब ने तुर्की से इंपोर्ट्स रोक दी, तुर्की मैशत के लिए नुकसान। नवाज शरीफ हुकूमत और आवाम को धोखा देकर लंदन गए। मुलजिम लंदन बैठकर आवाम और हुकूमत पर हंसता होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ की एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार पर सख्त रिमार्क्स।
आलमी इदारे सेहत के सरबराह की कोरोना के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ। हिकमत अमली जो पाकिस्तान ने बनाई, इससे ना सिर्फ वायरस के फैलाव को महदूद करने में मदद मिली बल्कि मैशत को भी तकवीयत मिली। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों का मुबाइसा, जो बाइडन ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। ट्रंप को मसखरा, नस्ल परास्त और रूसी सदर की कठपुतली कह डाला, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की अलिया सायरा बानो खैबर पख्तूनख्वा की मोहतरफ।